खुर्रम शहजाद विरक साहब, हिफाजती जमानत की ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ आपके ही सदर को है, आपके ही चेयरमैन को है, बाकी किसी को नहीं है। अपना मशवरा अपने पास रखें। माजी में उन्होंने बड़ी हिफाजती जमानतें, बड़ी जमानतें, जेलें, सब कुछ देख लिया। अब आपके लिए है सिर्फ इस बार आप वकास साहब हिफाजती जमानत तो वहां पर की जाए, वहां पर ली जाए, वहां पर हिफाजती जमानत के लिए जाया जाए जहां पर हिफाजती जमानत को कोई मानने वाला हो, जहां पे कोई लॉ को लॉ की बात करने वाला हो। यहाँ पे लॉलेसनेस है, कोर्ट अपने मजाक कर रहे हैं आप, खुद इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकती। आपने गुज़िश्ता रोज देखा होगा यकीनन, जब परवेज़ इलाही साहब को ऑनरेबल हाई कोर्ट के जस्टिस साहब ने हुक्म दिया था कि इनको घर तक छोड़ा जाए, तो बाद में जो जज साहब थे उनका किस तरह से उनकी कोर्ट को यहाँ खत्म किया गया, उनको वहां पे भेज दिया गया। आप कौन सी बात कर रहे हैं, कौन सी हिफाजती जमानत की बात कर रहे हैं? हिफाजती जमानत लेकर कोई क्या करेगा? आप किस अदारे के पास जाएंगे, आप किसके पास जाके आप अपनी फरियाद करेंगे? यहाँ पर तो आपको पता है कि जंगल का भी शायद कोई कानून होता सर, हो। आपकी रुदास सुन के तो मैं वाकई रो पड़ा। मतलब एवरीवेयर, मतलब हर चीज में क्योस नजर आ रही है। पता नहीं ये कौन सी स्टेट बनने जा रही है। अल्लाह ताला महफूज रखे हम सबको, पाकिस्तान को अल्लाह ताला महफूज रखे। ये इन्होंने क्या बोया है और ये क्या काट रहे हैं हम? ये 16 माह में पीडीएम ने कौन से ऐसे गुल खिलाए कि अवाम बेचारी बिलबिला उठी है, अवाम बेचारी तड़प रही है। आप यकीन करें, ये जेन्युइन बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप भी सोसाइटी में से हैं, शाम को घर आते जाते हैं, रास्ते में लोगों को हमसाया को मिलते होंगे यकीनन। जी सर। तो लोग किस कर्म में गुजर रहे हैं, किस कर्म में गुजर रहे हैं, दुख में गुजर रहे हैं, और ये सारे का सारा सेहरा जो है डॉक्टर निसार चीमा साहब की पार्टी को जाता है।